Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky. Can get high with me. But first, shut the fuck up. सो गाइस कैसे हैं सभी, उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, तभी तो आपको YouTube चलाने का टाइम मिल गया है। सो आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। एंड आपने अभी तक ऐसी थार नहीं देखी होगी पूरे दिल्ली NCR के अंदर, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मैं रखा हूँ आज गाजियाबाद इंदिरापुरम, बिल्कुल टॉप कंडीशन से भी ऊपर जो होता है उस टाइप की मॉडिफिकेशन कर रखी है हमारे नवीन भैया ने। सो आपको मिला। सो ये रहे अपने नवीन भैया। नवीन भैया कैसे हो? हाय, आई एम गुड। तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आपने अपनी थार में मॉडिफिकेशन करवा रखी है, ये आपका शौक है या फिर आपने पहले से सोच रखा था कि आप जब भी थार लोगे तो बनाओगे ऐसे? ये मेरा शौक था थार का। थार पब्लिक शौक के जरिए ही लेती है, नॉर्मल तो इसको कोई चलाता नहीं है। ये तो है, ये जो शौकीन आदमी होते हैं वही गाड़ियों को रखते हैं। तो मैंने भी पहले गाड़ियाँ देखी जो मॉडिफाइड हो रखी थी, देन आई थॉट कि यार चलो एक बार थार भी ली जाए, और उसके बाद में फिर इसको मॉडिफिकेशन के लिए डाला। तो कुछ हट के इसको बनाया मैंने ताकि सब गाड़ियों से अलग दिखाई। जब मैंने भैया की गाड़ी देखी तभी बिल्कुल ही अलग लगी थी पहली बार ही, क्योंकि ये जब आप इसके अलॉयज देखोगे, व्हील देखोगे, बिल्कुल ही बम्पर से बिल्कुल बाहर एकदम ब्रॉड टायर्स हैं। तो ये आप बताओ कितना साइज होगा स्टार का? ये 26 इंची है। 26 इंची। वैसे जो कंपनी के साथ स्टॉक आते हैं वो कितने इंच के होते हैं? वो शायद 18 इंची है। 18 इंची होते हैं। तो मैंने सुना है वैसे कि चलान होता है इन पर, कोई चलान का इशू? चलान का है, बट एज ऑफ नाउ तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वैसे आपको पुलिस जब देखते होगी रोकती जरूर होगी वैसे? हाँ, गाड़ी को पुलिस वाले हालांकि देखते हैं, पहले तो गाड़ी को देखते हैं, उसके बाद पेपर्स चेक करते हैं। पहले सबसे पहले तो उनको गाड़ी दिखती है कि यार ये गाड़ी इन्होंने बना कैसे रखी है। हाँ। तो सबसे पहले उनकी नज़र पूरी गाड़ी पर जाती है, वो अंदर बाहर पहले पूरी गाड़ी को देखेंगे, उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करने की बात करते हैं। सो बात यह है कि पुलिस वाले रोकते हैं? रोकते हैं 110%। बट शौक बड़ी चीज़ है। शौक बड़ी चीज है। सो गाइस आपको दिखाता हूँ पूरी गाड़ी, एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। एंड अपने चैनल पे 10K होने वाले हैं बहुत जल्द, एंड मेरी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही थी ड्यू टू सम रीजन। सो गाइस जैसे कि आप देखेंगे फ्रंट से गाड़ी को, ये कुछ ऐसी दिखती है। एंड इसके टायर देखेंगे आप कितने ब्रॉड हैं, इतने ब्रॉड शायद होंगे दिल्ली NCR में आपके हिसाब से, बिल्कुल नहीं। एंड ये आप देखोगे ये लाइट है, ये LED है या फिर ये भी LED है? वो भी पूरी LED है, पूरा LED है। तो मतलब क्या कितने क्या हिसाब होता है इसका, कितने वाट की होती है? तो ये तो मुझे भी एक्चुअल में आइडिया नहीं है, बट इसका जो इसका इफेक्ट है काफी अच्छा है। इफेक्ट अच्छा है, रात को बढ़िया रोशनी देते हैं, बहुत अच्छी। एंड आपने ये पूरा बार लाइट भी लगवा रखी है? बार लाइट भी है। तो इसका तो मैंने सुना चलान होता है वैसे? होता है चलान। हाँ। तो है ही चलान, तो अगर देखा जाए तो ये गाड़ी सड़क पे चली नहीं सकती, बट क्या कर सकते हैं। बट शौक बड़ी चीज़ है, शौक बड़ी चीज़ है, शौक के चक्कर में सब लोग करवाते हैं। अब इसमें एक और है कि जब ये लाइट ऑन होंगी तो जो ऊपर इसका अगर जो आप देख रहे लाइट होगी, जो हमर में होती है, करवाई हुई है, हमर वाला, जो ये हमर वाला है पूरा का पूरा जो सेटअप जो इसमें कर रखा है वो सारा हमर स्टाइल है, हमर स्टाइल में है। तो पीछे से हमर भी लगती है, जब मैंने पहली बार देखी थी, जब देखी थी मेरे को लगा हमर ही है, मेरे माइंड में वही था कि थार को कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि ये आधा इसमें जो है लुक हमर का है, तो वही चीजें इसके अंदर एडजस्ट की हुई है। तो जो आपने जीप लिख रखा है, वैसे जीप लिख के नहीं आता, जीप लिख के नहीं आता, थार लिखा होता, थार लिखा था। सो भैया ने बिल्कुल यहाँ पे जीप लिखवा रखा है, क्योंकि भैया एक लुक आती है इसकी जीप रैंगलर टाइप की, जीप। या सो लेफ्ट साइड में आते हैं, ये तो हो गई अपनी बार लाइट, एंड ये हो गई अपनी जो ऊपर कौन सी लाइट बोलते हैं ना, इंडिकेटर्स लाइट होती है ना, इंडिकेशन लाइट, मतलब ये छत पे जो लगी होती है, वैसे बोलते क्या है इनको, रूफ टॉप लाइट? रूफ टॉप लाइट होता है ये, इनको ये रूफ टॉप लाइट बोल लो आप, इंडिकेशन लाइट बोल लो। तो बेसिकली तो बात करते हैं अलॉय व्हील्स पे, तो अलॉय व्हील्स वैसे कितने इंच के हैं? 26 इंच है ये। 26 इंच, और ये जो आपने मर्सिडीज के ओरिजिनल है या फिर? ये मर्सिडीज के ओरिजिनल अलॉयज हैं। तो आपने इंपोर्ट करवाए थे? ये इंपोर्ट करवाए थे, मर्सिडीज जो जीप आती है मर्सिडीज की, जी वैगन जो आता है ये उसी के ही है, और ये वही इसमें लगवाए। ये दूर से देखने में थार भी लगती है एंड जी वैगन भी लगती है। सो गाइस भैया ने जो इसको बना रखा है, ये तीन गाड़ी को रिप्रेजेंट करती है, एक तो पहले थार जो है, दूसरी जीप रैंगलर, एंड तीसरी जी वैगन। जी वैगन तो भाई साइड फोर्थ वन आल्सो हमर हमारे भी लगती है। कोई भी इसको दूर से देखेगा तो इन तीन चार नामों में कंफ्यूज जरूर होएगा, बट ये है वैसे थार, एंड थार अपनी इंडिया की बहुत महिंद्रा की बहुत कामयाब गाड़ी है, एंड हर कोई लेना चाहता है इसको, एंड हर किसी का सपना होता है कि वो जो यंगस्टर्स हैं आजकल यंगस्टर्स वो चाहते हैं कि एक बार थार जरूर ड्राइव करें। तो आप साइड प्रोफाइल जब देखेंगे गाड़ी की, बिल्कुल ऐसे आती है, बिल्कुल बीस्ट लगती है, लोग देख के कहते हैं कि भाई गाड़ी बना रखी है। जब जितनी बार भी ये सड़क पे चलती है उतनी बार मुझे लोगों की तरफ थम्स अप मिलता है, थम्स अप मिलता है, लाइक पब्लिक इसको रुक के जरूर देखती है गाड़ी। सो अब साइड प्रोफाइल में आते हैं एक बारी।
साइड प्रोफाइल में आप देखोगे कि इसमें मर्सिडीज के अलॉय व्हील लग रहे हैं एंड ये इसको क्या बोलते हैं वैसे जो आपने ऑरेंज कर रखा है, कैलिपर, ड्रम। अच्छा, इसमें आगे ड्रम ब्रेक है, पीछे भी ड्रम है, डिस्क ब्रेक है, इसमें आगे डिस्क ब्रेक है, डिस्क पीछे ड्रम है, ये एक्सटेंड कराया हुआ है, एक्सटेंड कराया क्योंकि इसमें अलॉयज नहीं आ रहे थे 26 इंचेस, तो इसको एक्सटेंड कराया था, एक्सटेंड कराया पूरा। सो गाइस, आप देखो, आप इतने ब्रॉड टायर हैं, शायद ही आप सोच रहे होगे कि मैंने बोला क्यों, अब आप खुद देख सकते हैं कि कितने बाहर निकल रहे हैं अपने बम्पर से। ये देखिए गाइस, बिल्कुल। एंड भैया, ये इंडिकेटर चलते हैं वैसे या फिर स्टॉक होते हैं इसके पहले से? ये ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं, वैसे अगर हम कराना चाहें हाँ। तो हो जाएंगे आराम से। लाइटनिंग होती है इसमें? लाइटनिंग होती है। अगर वैसे रात में तो राइट, मतलब बेसिकली फॉर द इंडिकेटर, फॉर द पर्पस। सो गाइस, इसमें भी देखिए आप, कैलिपर को बिल्कुल बिल्कुल निकल के आ रहा है एंड गाड़ी का आपको अंदर का सब कुछ दिख रहा है। एंड ये मैंने चढ़ने के लिए स्टैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फुटरेस्ट बोलते हैं, चढ़ने के लिए अलग से लगवा रखा है, लग कर आता है। ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, जो इसके साथ आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट आपने तो अपना ये चेंज करवा के तो ये रोड स्टाइल में डलवाया था मैंने, तो आपने अपना ये आपका वो खुद आपने माइंड यूज करके बनाया था। तो बाइक तो इस वाले आप देखोगे पीछे से, आगे का इतना नहीं दिखता क्योंकि बम्पर के स्किट आ जाते हैं, स्किट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फेंडर्स बोलते हैं, फेंडर्स बोलते हैं, बम्पर फेंडर्स बोलते हैं। एंड आप इधर देखोगे तो बिल्कुल ही अंदर सब कुछ दिखता है। एंड तभी इसको मैंने बोला कि ये एक NCR में ऐसी गाड़ी जिसके इतने ब्रॉड टायर है, पीछे आएंगे तो भैया ये जो है ये मतलब ये यहीं पे फिटमेंट होती है या फिर कहीं और होती है इसकी फिटमेंट? किसकी? किसकी? साइलेंसर की। ये मैंने लगवाया हुआ है, नोब जो है एग्जॉस्टर नोब, ये मैंने अलग से लगवाया था। आपने मफलर अलग से लगवा रखा है इसका? और आपने चढ़ने के लिए ये अपना लोहे का बनवा रखा है? ये मेटल का पूरा ये चेंज करवाया था। ये 60 kg का है, 60 kg का है इसका। अगर हम ये सिर्फ इसकी बात करते हैं तो ये 60 kg का है, पूरा 60 kg का, 60 kg का है। और आपने पूरी लाइट भी मॉडिफाइड कर रखी है, ये होती नहीं है वैसे अंदर, नॉर्मल लाइट्स आती है बल्ब वाली, वो नॉर्मल बल्ब वाली लाइट्स रहती है, तो LED लाइट्स लगी हुई है पीछे भी और फ्रंट में। सो गाइस, भैया ने पूरी लाइट भी मॉडिफिकेशन कर रखी है, लाइट्स में भी दोनों को। एंड ये भी भैया ने अपने अपने थोड़ा थिंकिंग लगा के, वैसे प्लास्टिक के बम्पर होते हैं जैसे आप दूसरी गाड़ियाँ देखेंगे उनमें भी लगते हैं, रिफ्लेक्टर बोलते हैं वैसे इनको, तो भैया ने इसमें भी रिफ्लेक्टर लगा रखी है। फुल LED है सब, फुल LED है। और ये भी बिल्कुल जैसे भैया ने बताया कि 60 kg का है पूरा, ये चढ़ने के लिए वैसे बेसिकली काम में आता है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें पीछे टायर क्यों नहीं है, सो भैया से इसका रीज़न जानते हैं। इसका टायर बिकॉज जो इसका साइज जो एक्चुअल टायर इसके साथ में आता है स्टफनी का, वो इसमें एडजस्ट हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है बिकॉज जो इसके नोब है जहाँ पे टायर रुकता है वो उसके अकॉर्डिंग है। बट जो टायर मैंने जो इस गाड़ी तो इसमें अभी आपने लगवा रखे हैं वो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएंगे, तो इसके लिए इसको चेंज कराना पड़ेगा। ये नहीं, इन्हीं को ही, ये जो नट्स होते हैं इनको एक्सटेंड कराया जाता है वेल्डिंग होके, एक्सटेंड हो जाएंगे और उसके बाद स्टफनी इसमें लग के फिर वो लॉक हो जाती है। तो भैया अभी इसको करवाएंगे, ये रिसेंटली भैया ने सब कुछ करवाया वैसे तो। एंड अब आप लोग देख रहे होंगे कि थार के अंदर वैसे ऐसी पूरी छत आती नहीं है। एंड भैया ने बिल्कुल इसको क्या मेटल बोलते हैं, कौन सा होता है यूज होता है इसमें? पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल यूज किया गया वैसे, मेटल बॉडी है। तो वैसे इसमें फाइबर की होती है जब लेते हैं जब इसको? वैसे तो वो आता है कपड़ा, आता है कपड़ा, आता है। तो आपके हिसाब से फाइबर वाली अच्छी होती है फिर मेटल वाली? मेटल वाली सबसे अच्छी होती है। अच्छा, फाइबर वैसे खराब हो जाता है? मैंने कार में बेसिकली सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कूलिंग की। थार में कूलिंग की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, कि थार में AC काम नहीं करता है, AC काम नहीं करता है। तो उसके सबसे बड़ा, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है तो फाइबर, और प्लस जो रूफ टॉप आता है कपड़े का स्टार्टिंग में, तो उसमें AC काम नहीं करता क्योंकि डायरेक्ट सन हीट चलता है, वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है अंदर बिल्कुल। इसमें क्या होता है जब हम इस मेटल वाली बॉडी को लगवाते हैं, मेटल बॉडी की रूफ टॉप जो हम लगवाते हैं, तो उसके अंदर जो लेदराइज जो अंदर जो नहीं अंदर गाड़ी के अंदर जो लेदराइज होकर पूरा का पूरा शेड आता है, तो उससे क्या होता है जो हीट हो रही है वो हीट होकर वो शेड जो होती है नीचे वो उसको रोक लेती है। अच्छा, और वहीं फाइबर की अगर हम बात करें तो फाइबर के ऊपर जितना हैवी जो इसके अंदर का हैवी इंटीरियर जो इसके अंदर डाला हुआ है वो नहीं हो पाता है। अच्छा, तो मतलब ये करवाना चाहिए अगर आप गर्मी में, वैसे AC काम नहीं करेगा अगर वैसे अगर आप स्टॉक रखेंगे तो करते हैं तो काम नहीं कर पाता है। तो वैसे ज्यादातर लोग जब भी थार को लेते तो वो मॉडिफिकेशन जरूर करवाते हैं, विदाउट मॉडिफिकेशन थार आप ड्राइव ही नहीं कर सकते। सो ये भी आपने वैसे रिफ्लेक्ट होता है अगर पे लाइट पड़ती है, इंडिकेटर है, रिफ्लेक्टर है, चलता है, चलता है। सो गाइस, ये वाले जो इंडिकेटर हैं ये इसके एक्चुअल इंडिकेटर जो स्टॉक पहले से होते हैं थार के अंदर। एंड ये वाली ग्रिल आपने ये जालियां पहले से होती हैं या फिर लगवाई चेंज लग रखी हैं? सो वैसे इन जालियों क्या बोलते हैं इस वाली, इसको? ये उसके लिए होती है, कंप्रेसर के लिए होती है। होता क्या है, ये गाड़ी के लिए जो रेडिएटर और जो कंप्रेसर होता है ना उसके लिए होती है ये, ताकि कंडेंसर सॉरी जो AC के लिए काम करता है तो उसमें डस्ट वगैरह ना आए, वो हीटअप जब होता है तो उससे क्लीनिंग रहे, एयर जाती रहे। सो भाई की गाड़ी कुछ ऐसी है जैसे कि आप देख सकते हैं,
एंड देयर इज अलॉय व्हील जो कि मर्सिडीज के ओरिजिनल है। एंड ये भैया ने अपना फुटरस बनवा रखा है अलग से, वैसे जैसे स्टॉक जो आता है वो अलग होता है बट भैया ने इसको एक्सटेंड करा के अपनी थिंकिंग ला के बनवा रखा है। इधर आएंगे आप, इधर मफलर आइए अलग से भी लगवा रखा है और बिल्कुल पीछे से लुक बदल ही चुकी है इस गाड़ी की। एंड भैया ये शीशा भी चेंज हुआ है बिल्कुल, हाँ वो साथ का शीशा चेंज हो रखा है, ये सब कुछ पूरा फुल मॉडिफाइड है शीशा वगैरह सब कुछ। तो पीछे से लुक कुछ ऐसे आती है इसकी, अब आप देख सकते हैं, अब मैं आपको हर कोई देखेगा मुड़ के जब इसमें ऐसा लुक आएगा तो। सो गाइस अब देखते हैं इंटीरियर में भैया ने क्या वर्क करवा रखा है। सो भैया देखते हैं फिर इंटीरियर में क्या वर्क करवा रखा है प्लीज। सो गाइस जैसे कि हम अब गेट खोलते हैं, गेट खोलने के साथ ही भैया ने इसमें अपना ये स्पीकर लगवा रखा है गेट के अंदर। ये पावर विंडोज पहले से होती है आपने करवाई? पावर विंडो मैंने करवा रही है, पावर विंडो है, देन आप ये देखेंगे पूरी लेदराइज कवरिंग, पूरी लेदराइज कवरिंग है एकदम, बहुत बढ़िया फिनिश एकदम निकल के आ रहा है एंड बिल्कुल हैवी है। ये भैया ने इसमें लगवाया है स्पीकर गेट में, रॉकफोर्ड के स्पीकर्स हैं, रॉकफोर्ड स्पीकर्स एंड ट्यूटर्स वगैरह, ये ट्यूटर है ये स्पीकर है। एंड भैया ने पावर विंडो लगवाई हुई है, थार के अंदर पावर विंडो आती नहीं है। एंड आप देखेंगे बिल्कुल ये जो डैशबोर्ड है ये भी बिल्कुल लेदर फिनिश में करवा रखा है, ये पूरा लेदराइज करवाया है, पूरा लेदराइज करवाया है पूरा डैशबोर्ड जो ऊपर तक है। एंड ये इसमें पहले से आता है आपने चेंज करवाया? पूरा का पूरा चेंज करवा रखा है, नीचे फ्लोरिंग करवा रखी है, फ्लोरिंग भी चेंज करवा रखी है आपने, ये पूरी मोटी फ्लोरिंग है। ये अगर आप देखना चाहेंगे तो पूरी फ्लोरिंग है जो पूरी नीचे तक के एरिया को कवर करती है। एक्चुअल में थार की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि थार में पानी आता है, पानी आता है। अच्छा ऑफरोडिंग करते हैं, ऑफरोडिंग कार है तो पानी आता ही आता है, हाँ गेट से अंदर आता है। प्लस क्या होता है फिर वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, ऑकवर्ड सा लगता है देखने में, पूरा नीचे लगा होता है तो फिर वो थोड़ा अजीब लगता है, उसको क्लीन भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो उसके बाद फिर ये मैंने फ्लोरिंग करवाई थी इस पे ताकि गाड़ी अंदर से कोई भी किसी तरीके की दिक्कत ना दिखाई दे, गाड़ी दिक्कत दिखाई दे। तो ये जो सीट्स कवर है ये आपने सीट भी चेंज करवाई है? सीट चेंज है, ये सब कुछ आपने चेंज ही करवा दिया, पूरा चेंज है। ये स्कॉर्पियो की सीट्स है दोनों, स्कॉर्पियो की सीट्स, पीछे वाली इनोवा की है, पीछे वाली इनोवा की है, जो आगे वाली है स्कॉर्पियो की, पीछे वाली इनोवा, पीछे इनोवा लगवाई हुई। एंड सबसे बड़ी चीज जो कि इस गाड़ी में बैठते के साथ ही दिखती है ये सनरूफ। तो इस भैया सनरूफ के बारे में बताओ कुछ। सनरूफ थोड़ा सा शौक था कि सनरूफ भी मतलब पहले नहीं था बट फिर दिमाग ने काम किया कि जब ऑफरोडिंग पे जाते हैं कुछ होता है तो क्यों ना इसी गाड़ी को, जब हम जी वैगन की बात कर रहे हैं या हमर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर होना चाहिए, इतना पैसा लगा रहे तो ये भी। फिर क्या किया कि फिर इसमें सनरूफ के लिए एडिंग करवाई, सनरूफ और चाहिए, तो सनरूफ का साइज इतना करवाया कि और गाड़ियों से बड़ा, मतलब थोड़ा ऐसा हो कि यार बंदा बाहर निकले कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। सो गाइस अभी सनरूफ खोल के दिखाते हैं आपको। ये बिल्कुल मतलब पूरी लेट जाती है ऊपर, ये पूरा आप इसको छोड़ दो ये बिल्कुल बैठ जाएगी, अनब्रेकेबल मिरर है, अनब्रेकेबल मिरर है, अगर कितनी भी जेर से गिर जाए तो टूटेगा नहीं जल्दी, ये नहीं टूटेगा, टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा। तो गाइस देखो कितनी बढ़िया फिनिशिंग आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी के अंदर स्टॉक पहले से ही सनरूफ आती है बट भैया ने इसमें ऐसा काम करा रहा है, कितनी अच्छी जगह से काम करवा रखा है। और आप चीज देखोगे ये जो होते हैं ये सब लगा हुआ ऊपर, ये होता नहीं वैसे, ये नहीं होता है, ये पूरा का पूरा, ये आप चेक करो, आप हाथ लगा के देखो, हाथ लगा के पता ही लग रहा है सबसे हैवी है, गाड़ी की कूलिंग बहुत अच्छे चले और बढ़िया हो जाती है, क्योंकि सबसे दिक्कत क्या है कि जो इधर के जो शीशे हैं ये शीशा भी चेंज करवा रखा है, चेंज है सब, सब कुछ चेंज करा रखा है, पूरा पूरा चेंज है। अब इस शीशे की अगर हम बात करते हैं साइड्स के दोनों मिरर की, तो ये सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, ये भी बड़े हो जाते हैं, देन सनरूफ हो गया, सनरूफ पीछे भी हो गया और देन फ्रंट में भी हो गया। तो इससे क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी हीट होती है, हीट होती है, जितनी ज्यादा सन रेज आएंगी डायरेक्ट उतनी ज्यादा गाड़ी हीट होगी, तो कूलिंग में इफेक्ट आ जाएगा, गाड़ी में कूलिंग होगी नहीं। तो उस सिनेरियो में क्या किया कि ये फोमिंग मैंने एक्स्ट्रा कराई ताकि जितने भी मिरर हैं ये मिरर के चलते कूलिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो जितनी ज्यादा हैवी आपकी बफिंग होगी तो उससे ही क्या होगा कि आपकी कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी कहीं से कहीं तक हीट नहीं। सो गाइस अब एक अब आप देखोगे खुद भैया को देखो एक बारी कि बिल्कुल अपनी कार से निकल के कोई कहेगा थार है, कोई कहेगा भैया थार है, कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल ऐसी मॉडिफिकेशन कर रखी है, अब आप देखो क्या लुक निकल के आता है इसका, ऐसा लुक शायद ही देखा होगा आपने कहीं, किसी भी थार के अंदर लोग जल्दी से इतनी कॉस्टली मॉडिफिकेशन करवाते नहीं है, अगर कोई भी लेता है तो सिर्फ वो अलॉय व्हील पे ही काम करवाता है, अलॉय व्हील होता है बेसिकली, कि एक यही थार है एनसीआर के अंदर जो हमारे नवीन भैया ने बिल्कुल एकदम एंड लेवल तक कर रखी है, सिंपल सोबर बोल सकते हैं इसको ना बेसिकली हम, कि सिंपल सोबर है, हाँ क्योंकि और थार में क्या करती है पब्लिक, पीछे केरोसिन का टैंक लगा देगी और फिर और जो एडवेंचर्स चीजें उसके अंदर एड ऑन कर देती है, हाँ बट एज कम्पेयर टू मी मैंने सिर्फ इसमें अलॉयज
और इसका इंटीरियर और लाइट सिर्फ और अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपने बिल्कुल करवा रखा है। यस, सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस किया, रेस्ट कोई स्टिकरिंग नहीं है, सिंपल सोबर बिल्कुल एकदम। तो गाड़ी बहुत अलग से दिखती है। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर मैं आपको सनरूफ की बताऊं तो सनरूफ का साइज इतना है कि आप आराम से इस पे ऊपर बैठ सकते हो, ऊपर चढ़ के। हाँ, ऊपर चढ़ के आप इस पे आराम देख से सकते हो भैया, बैठ भी सकते हैं, पर बैठ के भी दिखा दिया मैंने। इसमें आप एक दो तीन आदमी आराम से बैठ सकते हैं। तो कहीं आप लॉन्ग राइड पे जाओ तो बिल्कुल, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, आप आराम से यहाँ पे मतलब बेसिकली आप अपनी बोतल्स रखो, कुछ भी करा है, यू कैन एंजॉय। तो ये है छोटी सी थार हमारी, छोटी सी नहीं है तो तीन चार गाड़ियां ले गई एक साथ। तो गाइस देख सकते हो ये बिल्कुल इसका शीशा है जो कि अनब्रेकेबल होता है, एंड इसके ऊपर ब्लैक फिल्म है। इसको ये बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। इसको आप ऐसे करेंगे लाइक अगर इसको आप ऐसे छोड़ते भी हैं, देखो गाइस देख रहे हो कितनी इतनी हैवी चीज लगा रखी है भैया ने, तो जो कि अनब्रेकेबल ही है बिल्कुल, जो बिल्कुल वर्थ है। मारेंगे आप गाइस देख सकते थे, तेज आवाज आएगा, कोई और शीशा होता तो वो टूट सकता था, तो बट इस पे कुछ होता नहीं है क्योंकि अनब्रेकेबल है पहले से ही। तो ये इसलिए करवाया क्योंकि कई बार जो होता है फ्रेंड सर्कल वो क्या करते हैं, वो उठाते हैं ऐसे छोड़ देते हैं, नीचे से ही गाड़ी में बैठे बैठे धक्का मार देते हैं, जो वैसे होते हैं वो टूट जाएंगे, तो टूट जाते हैं। हाँ, तो ये अनब्रेकेबल है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं वर्थ ऑफ मनी है बिल्कुल आपके हिसाब से। तो गाइस आप देख ही सकते हैं अब इसकी क्या ही तारीफ करें। अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ चलते हैं और इसके भैया ने इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है म्यूजिक सिस्टम को लेकर, अब वो देखो अभी कौन सा एंड्रॉइड कार प्लेयर है। एंड्रॉइड कार प्लेयर है वैसे तो, इसके अंदर हर एक चीज है, लाइक दूसरा फोन है, ये दूसरा फोन है मतलब गाड़ी के अंदर, मतलब अगर आप कुछ भी इसमें यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो, एप्स हो गए सबको, ब्लूटूथ हो गया, रेडियो हो गया, वीडियो हो गया, एंड म्यूजिक के लिए यहाँ तक कि गूगल क्रोम भी हो गया। अब देखिए आप देखोगे कि जो बाकी लोग होते हैं जो 10-15 हज़ार रुपये में लग जाता है वो बहुत लैगी होता है, अब आप देखोगे ये एक बारी में आराम से हो रहा है। अब मैं यूट्यूब खोलूंगा एकदम से यूट्यूब खुल गया, तो बाकी में नहीं होता है। तो इस काम जो भैया ने अपने काम करवा रखा है इसमें क्वालिटी है बिल्कुल, इसमें क्वालिटी है। लेकिन ये एक चीज, इसमें एक और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि 10-15 हज़ार का नहीं, उससे भी सस्ता है। कितने का ये? समवेयर अराउंड 8,000 का था, बट मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस देख सकते हो ये तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल लैगी नहीं है बिल्कुल भी। अब आप एक्स पे जाओगे बिल्कुल देखो आराम से, अब हम कुछ करेंगे तो वो बिल्कुल एकदम धीरे धीरे जाता है, अब ये एक बार में जा रहा है आराम से, कोई लैगिनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं। वैसे इसमें कितनी जीबी रैम होगी आपके हिसाब से? तो वैसे भी 3 GB तो होनी चाहिएगा इतना फास्ट काम कर रहा है तो। इसकी 4 GB RAM 4 GB RAM के हिसाब से अब आप देखोगे कोई 4 GB RAM और 128 GB इसमें स्टोरेज है इंटरनल, तो अब कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। वैसे ये जो गैलरी होती है ये मतलब क्या कार की? इसमें नहीं, इसमें क्या है हम अपने फोन से अटैच करके फोटोज इसमें रख सकता हूँ। अच्छा, फोन के फोटोज में अटैच कर सकते हैं करेंगे वो सब कुछ इसमें, लाइक मुझे आई हैव टू कनेक्ट माय फोन, मेरा फोन जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो मैं जो भी आपकी गैलरी उसमें एक्सेस हो जाएंगे। लाइक जैसे हम अपने फोन में वो वॉलपेपर्स लगाते हैं तो वो वॉलपेपर्स हम इसमें भी लगा सकते हैं, वॉलपेपर इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं जो गाइस बहुत बढ़िया चीज लगी मेरे को। तो मैंने शायद ही मतलब क्या ही बताऊं इस गाड़ी के बारे में, बिल्कुल भैया ने ऐसा काम करवा रखा है कि बंदा खुश हो जाएगा। सो गाइस मैं एक बार थार की राइड लेके देखते हैं कैसे चलती है, एंड भैया से पूछेंगे भी इसकी माइलेज पे तो असर आएगा ही, अब इतने बड़े अलॉय व्हील लगा रखे, व्हील आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। स्टार्ट करते एक बार चला के देखते हैं। गाइस बहुत ही बढ़िया पिकअप है, बढ़िया देखने में चलाने में, जैसे कि आप देख सकते हैं। शायद ही मैंने आज तक ऐसी थार देखी होगी, एंड आप देखेंगे ये सब लोग जो भी हैं मुड़ मुड़ के देखते हैं, एंड ये तो आप देखेंगे जब भैया ने इतना पैसा लगा रखा है इसके अंदर। सो भैया वैसे क्या माइलेज आ जाती है इसकी? माइलेज की अगर हम बात करें तो 4 या 5 जितने भी आ रही है वो 10 की एवरेज जरूर निकालती है। तो गाइस आप देख सकते हैं भैया की थार है जो बिल्कुल एकदम ऐसा लुक आ रहा है कि हम ही है बादशाह रोड के, इतनी ऊंची गाड़ी है, एक तो अलॉय व्हील लगने के बाद और हो जाती है, तो शायद कोई गाड़ी होती ही नहीं होगी इतनी ऊंची अगर अलॉय व्हील लगा भी देते हैं। इस गाड़ी में आपको सबसे बड़ी फील यही आएगी कि आप ही बादशाह हो, बादशाह रोड के बादशाह, रोड किंग, रोड के बादशाह। आपको आप अपने आप को ही मानोगे जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करो, क्योंकि पब्लिक इसके टायर को देख के अपनी गाड़ी बहुत अलग कर ले जाती है, बहुत साइड में हो जाती है एक एकदम। अगर देख सकते हैं गाड़ी कटिंग भी बिल्कुल मस्त आ रही है, नहीं चली जाएगी।
कटिंग में फर्क आ जाता है गाड़ी की, क्योंकि जब टायर रोड हो जाते हैं तो कटिंग में हमेशा फर्क आता है। कटिंग में देख सकते हैं क्या ही मतलब फील आ रही है, देखिए क्या पिकअप उठा रही है गाड़ी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं क्या एकदम लुक आ रही है गाड़ी की, अंदर से भी बाहर से भी। तो अब भैया से भाई पूछ लेते हैं कि भैया ने कितनी इस पे अभी तक अपनी मनी स्पेंड कर दी। तो गाइस अब भैया से पूछते हैं कि भैया ने अभी तक इस पे कितना इन्वेस्ट कर दिया है। तो भैया कितना इन्वेस्ट कर दिया आपने वैसे अभी तक? अभी तक इस पे 10-70 मतलब 11 अप्रोक्स लगा दिया है। अप्रोक्स 11 हाँ लग चुका है गाड़ी। सो आपके हिसाब से जितना भी अभी आप अभी तक आपने लगाया है क्या वो आपके हिसाब से वर्थ इट है? बिल्कुल है, वर्थ इट है ना। आप हो ना, आप आए इसीलिए। सैटिस्फैक्शन यही था, सैटिस्फैक्शन यही था कि लोग मुड़ के देखे और खुद लोग अप्रोच करें आपको। देखो, आप किसी भी चीज पे अगर पैसा लगा रहे हो जब तक आपको उसकी तारीफ ना मिले तो वर्थलेस है, वर्थलेस है। अब इसकी हर कोई तारीफ करता है। एंड अब आपको पता ही है कि आपको जब आपको अनजान लोग रोड पे रोक के कहते हैं कि भैया क्या अभी गाड़ी मुझे बेचोगे, तो आपको इससे बहुत लग जाता है, समझ आता है। सब फुल सैटिस्फाइड हो मतलब? मैं फुल सैटिस्फाइड हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना पैसा लगा वो सारा मुझे जैसे ही पब्लिक की तरफ थम्स अप मिलता है, जैसे ही पब्लिक पूछती है तो वो क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि नहीं लगा है पैसा, कि लोग बोल रहे हैं। सो गाइस अभी तक मेरी थार ऐसी है जिसको देख के पब्लिक ने मॉडिफाई कराने की कोशिश भी की लेकिन अभी तक नहीं करा पाए हैं। वैसे आप मेन जो मेरे को मेन चीज से पूछनी है, आपने करवाई कहां से मॉडिफिकेशन? ये आजाद 4x4 आजाद 4x4। यहां असल में थार दो ही मॉडिफाई करते हैं, एक गुड़गांव में बिमरा है गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव में, और दूसरा आजाद 4x4 है जो सबसे पुराना है लोनी में। जैसे कि देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एकदम बेस जो की बेस आ रही है, वो कर सकते बहुत बढ़िया है। रोहित भाई कैसा लग रही है गाड़ी? आप लोगों को जरूर बताना है की कमेंट करके, आप लोगों को जरूर कमेंट करना है की आपको कैसी लगी अभी तक एज ऑफ नाउ जो आपने वीडियो में देखा, तो आपको गाड़ी कैसी लगी। सो गाइस एंड करते हैं व्लॉग और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।